class of the Reserve Bank of India Act 1934. I hope your preparations are going well and your sessions are also going well. So today's topic is monetary policy, that is monetary policy function of RBI. आप सबको पता है कि हमने एक सेशन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में बताया था एंड वन ऑफ द फंक्शन वाज टू मेंटेन द मॉनेटरी सिस्टम इन आवर कंट्री. तो आज हम उसी पर ही डीपली डिस्कशन करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेजर फंक्शन है आरबीआई का वो क्या होता है, आरबीआई उसमें अपना क्या रोल प्ले करता है, आरबीआई की क्या ड्यूटीज़ हैं एंड हाउ दिस मॉनेटरी पॉलिसी इज़ फ्रेम्ड इन आवर कंट्री. So let's start this session. You can also prepare your own notes. So here, first of all, the monetary policy function of RBI का जो होता है ये किसके द्वारा perform किया जाता है. देखिए RBI के अंदर भी various departments होते हैं, right? So RBI के जो monetary policy function है ये perform करता है कौन, monetary policy committee. एक कमिटी होती है अलग से और उस कमिटी का नाम दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका मेजर फंक्शन ही यही प्ले करना है, राइट. देन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डैश अ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. इस कमिटी को बनाता कौन है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट बनाती है उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, क्या क्या पोस्ट होती हैं. सो द फर्स्ट इज गवर्नर ऑफ आरबीआई, उसमें होते हैं. एंड देन देयर इज डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई भी होते हैं. सो गवर्नर है एक डेप्टी गवर्नर है. डेप्टी गवर्नर कौन है, इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होंगे, राइट. देन आफ्टर दिस इज वन ऑफिसर ऑफ आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड. जो सेंट्रल बोर्ड्स होते हैं वो अपनी तरफ से एक ऑफिसर का नाम लिखकर भेजते हैं जो इस कमिटी का सदस्य होगा या मेंबर होगा. देन अदर देन दीज देर आर ऑल्सो थ्री पर्सन्स हु आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट माई डियर स्टूडेंट्स. सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है. तो नाउ यू कैन सी क्लियरली कि कितने लोगों का ये ग्रुप होता है. एक गवर्नर होता है, एक डेप्टी गवर्नर होता है, एक ऑफिसर होता है सेंट्रल बोर्ड से, एंड देन द थ्री पर्सन्स. All right, then we have next monetary policy committee have statutory duty. क्या ड्यूटी होती है कमिटी की, मेजरली ये किसलिए फ्रेम होते हैं, टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू डैश द इन्फ्लेशन टारगेट रिक्वायर्ड टू अचीव, राइट, द इन्फ्लेशन टारगेट. जो हमारा एक टारगेट सेट किया गया है और उसको जो अचीव करना है, उसको अटेन करना है टारगेट को, उस वो ड्यूटी किसकी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की. ऑल राइट, देन इज द डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज बाइंडिंग ऑन आरबीआई. जो भी ये कमिटी डिसीजन लेती है या जो भी फैसला इस कमिटी द्वारा अपनी मीटिंग में दिया जाता है वो किस पर बाइंडिंग होगा, आरबीआई पर. एंड द आरबीआई इज रिक्वायर्ड, उनकी ड्यूटी बनती है टू पब्लिश अ डॉक्यूमेंट, किस चीज़ के लिए, एक्सप्लेनिंग द डैश टू बी टेकन. जो भी उस पॉलिसी में या जो भी उसमें क्या लिए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं, एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स टू बी टेकन टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, राइट. देन वी हैव द मीटिंग्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. लेट्स डिस्कस कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग्स होती हैं, राइट, तो उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है, हम ये देखते हैं. मीटिंग कैसे हेल्ड होती हैं, कहाँ पर होती हैं, कैसे ली जाती हैं, कैसे कंडक्ट होती हैं, इन सबको हम इस टॉपिक में चेक करेंगे. सो मीटिंग्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, द आरबीआई शेल ऑर्गेनाइज एटलीस्ट फोर मीटिंग्स. चार कम से कम मीटिंग एक साल में होंगी ही होंगी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की, और इसकी ड्यूटी किसकी बनती है, आरबीआई की. जो भी मीटिंग का स्केड्यूल होगा कमिटी फॉर अ ईयर शेल बी डैश्ड बाय,
ये जितना भी पूरा शेड्यूल है कब होगी कहाँ होगी इनको पब्लिश करने की जिम्मेदारी भी होती है, और पब्लिश कौन करता है? बाय द बैंक, एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ दैट ईयर, राइट? देन नेक्स्ट थिंग इज एनी चेंज इन द मीटिंग स्केड्यूल, मीन्स कई बार हो जाता है कि हम टेंटेटिव डेट्स रख देते हैं, कोई भी चेंजेस अगर आने हैं तो आपको उसके बारे में भी पहले से ही इंफॉर्मेशन देनी होगी, पब्लिश करना होगा एज सून एज प्रैक्टिकेबल, राइट डियर स्टूडेंट्स? देन क्योरम फॉर मीटिंग, मीन्स मीटिंग में कितने मेंबर्स होंगे मिनिमम, सो क्योरम फॉर मीटिंग शैल बी डैश मेंबर्स, हाउ मैनी? 4 मेंबर्स, कम से कम 4 मेंबर्स तो ज़रूर हों, आउट ऑफ विच एटलीस्ट एक गवर्नर होना चाहिए. अगर गवर्नर फॉर एनी रीजन सम हाउ इज नॉट देयर, देन इन हिज एब्सेंस देयर मस्ट बी अ डेप्टी गवर्नर, राइट? तो 4 गवर्नर्स और 4 में से एक डेप्टी गवर्नर या गवर्नर हो. देन मीटिंग शैल बी हेडेड बाय, कौन हेड करता है? गवर्नर हेड करता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एक गवर्नर होना चाहिए. अगर गवर्नर नहीं होगा तो उसका हेड कौन होगा? डिप्टी गवर्नर, राइट? देन ईच मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी शैल हैव 1 वोट. जब वोटिंग होती है या कोई डिसीजन लिया जाता है फेवर में डिसफेवर में, तो आपको सबको पता है कि वोटिंग सिस्टम है, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, सो वोट वहां पर भी होंगी. ऑल द क्वेश्चंस विच कम अप बिफोर एनी मीटिंग, जो भी कोई डाउट आया है या किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन एक सोलली एक मेंबर का, एक गवर्नर का नहीं होता. इट शैल बी डिसाइडेड बाय डैश ऑफ वोट्स, कौन उनको डिसाइड करेगा? मेजॉरिटी, जो भी वोट्स के जितने भी मेंबर्स हैं वहां पर. देखो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, सपोज एक मीटिंग में 6 है, तो 6 में क्या होगा कि आपको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के लिए, सपोज कीजिए 4 मेंबर्स ने वोट दिया है फेवर में और 2 ने डिसफेवर में, तो जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होगी उससे ही डिसीजन आएगा. अब आप कह सकते हो कि सपोज कि 3 ईच मेंबर्स ने वोट दे दिया है, 3-3, राइट? कि 3 इसने 3 उसने, तो अब आप कहोगे कि मैम इसमें क्या डिसीजन लिया जाए? सो देयर इज ऑल्सो 1 थिंग दैट इफ इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, तो गवर्नर शैल हैव अ सेकेंड और कास्टिंग वोट, या तो सेकेंड वोट होगी या फिर कास्टिंग वोट होगी और उसको गवर्नर लेगा, ठीक है? सपोज यहाँ पे गवर्नर का यहाँ पे डिसीजन था, बट इफ इन केस ऑफ इक्वालिटी फिर जो गवर्नर डिसाइड करेगा वो डिसीजन लिया जाएगा, राइट? देन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिटी जो भी होती हैं दे मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल. आप उनको पब्लिकली पब्लिश नहीं कर सकते हो, पब्लिकली उनको आप शो नहीं कर सकते, वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं. सो आई होप आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होती है कैसे वर्क करती है, क्या ये फंक्शन परफॉर्म करती है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर टुडे. आरबीआई के बारे में अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से समझ में आ गई, तो समझिए आपको आधा आरबीआई एक्ट समझ में आ गया, राइट? सो विद दिस सेशन इज ओवर एंड आई होप यू एंजॉयड इट. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन. टिल देन हैव अ गुड डे. थैंक यू.